हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे हो। सबसे पहले तो सॉरी, मैं आपको 2-3 दिन से लेक्चर नहीं डाल पा रहा था बिकॉज मैंने वैक्सीन लगवाई थी COVID-19 वाली। और आपको पता है, वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ा फीवर वीवर आता है, तो वही सब आ रहा था। इसकी वजह से मैं आपको लेक्चर नहीं डाल पा रहा था, बट अब एकदम ठीक हूँ और आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे कि हमारा चैप्टर चला था अल्टरनेटिंग करेंट, हम उसमें आपको पावर एंड पावर फैक्टर के बारे में बता चुके हैं। मैंने बोला था अगला लेक्चर चोक पॉइंट पर आएगा। बहुत छोटा लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है और अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल लेक्चर है। तो देखते हैं चोक पॉइंट और यानी है चोक पॉइंट। सबसे पहले चोक पॉइंट पर जाने से पहले हम लोग को पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सी अधिकतर जगहों पर, इंडिया के हर मोस्ट समझ लो आप प्लेसेस में इंडिया के 220 वोल्टेज आता है। वोल्टेज 220 आता है, हाउस होल्ड करें, ठीक है, हाउस होल्ड करें, 200 हाउस होल्ड पोटेंशियल 220 वोल्टेज आता है। बट आपने देखा है कि जो मरकरी लाइट मतलब ट्यूब होती है या फिर ट्यूब लाइट होती है, ये लोग 220 वोल्ट तो भाई झेल नहीं पाएंगे। अगर सीधा सीधा डाल दिए इसमें 220 वोल्ट तो झेल नहीं पाएंगे, फट जाएगा। कभी देखते भी होंगे कि भाई फ्यूज उड़ गया, बहुत तेज हो गया था, वोल्टेज ज़्यादा हो गया, तो ये वोल्टेज नहीं झेल पाते, ठीक। तो इनको वोल्टेज मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ता है, वही सब चीज़ों पर पढ़ाएंगे, उसी में चोक पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए वही पॉइंट लिखे हैं जो मैंने बोला कि एट मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया हाउस होल्ड वोल्टेज सप्लाई इज 220 वोल्ट। इंडिया में अधिकतर 220 वोल्ट आता है। सम डिवाइसेस लाइक ट्यूबलाइट वो पिक्चर नहीं सलमान खान की, ट्यूबलाइट जो घरों घरों में लगती है, मरकरी ट्यूब या फिर बोल सकते ट्यूबलाइट या मरकरी ट्यूब, कैन नॉट स्टैंड सच हाई वोल्टेज, नहीं रुक सकती भाई इतने वोल्टेज पे, फट जाएगी, ठीक है। तो क्या करें, तो हमने बोला टू रिड्यूस, अगर हमको रिड्यूस करना है इसका वोल्टेज तो क्या करें, टू रिड्यूस वोल्टेज टू ट्यूब, टू रिड्यूस वोल्टेज टू ट्यूब वी कैन कनेक्टेड रेजिस्टेंस, आर कनेक्टेड वी कैन कनेक्टेड आर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमने बोला रेजिस्टेंस लगा दे, इसका मतलब क्या है भाई साहब? क्योंकि आपने देखा होगा रेजिस्टेंस क्या करता है, इट्स अपोज्ड, रेजिस्टेंस आपका कुछ ना कुछ वोल्टेज ले जाएगा, क्योंकि वो भी तो काम कर रहा है। आप कहेंगे बाकी वोल्टेज जा रहा है, मेरा काम चल रहा है, हाई वोल्टेज का रेजिस्टेंस लगा देंगे, अंडरस्टैंड। जब हाई वोल्टेज का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो आपकी ट्यूबलाइट थोड़ा जल चलेगी, बात यहां तक ठीक है, हमने ये बात मान ली। पर जैसे ही हम थोड़ा सा पढ़ते, हमने बोला देखो ये ट्यूबलाइट है, हमने ऐसे लिया, ये ट्यूबलाइट है हमारी और यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया, ये खा जाएगा वोल्टेज आता और बचा इसके पास पर्याप्त मात्रा पे देगा, बट रेजिस्टेंस will waste too much power। अब भाई साहब रेजिस्टेंस तो ढेर सारी पावर वेस्ट कर रहा है, और आप कहेंगे भैया आपको कैसे पता? अरे भैया लास्ट लेक्चर जाके देखो ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं प्रीवियस लेक्चर देख के चलो, ये चैप्टर ऐसे उड़ा दोगे चुटकियों में, चैप्टर नाचूंगा, बहुत इजी चैप्टर, जिसको टम भी बोलता है इजी बना दिया। तो मैं बोल रहा हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था पावर जो होती है, या इधर नहीं इतना लिख लो फिर बता, ये ऊपर जो पॉइंट लिख लिया हटा, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा पावर इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता था? पावर फैक्टर। और रेजिस्टिव में तो पावर फैक्टर जीरो होता था, इसका मतलब इसकी वैल्यू वन हो गई,
वी आई कुछ पावर आएगा, पावर आएगा, पावर इतना वेस्ट कर रहा है। तो फिर हमने सोचा सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम हमने इस प्रॉब्लम, अब क्यों देखो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट यार पावर बहुत वेस्ट कर रहा है, हम क्यों ना पावर बचा के चलें, फ्यूचर में काम आए। भाई जैसे पैसा बचा के चलते हो ऐसे ही पावर बचा के चलेंगे, हमारे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के काम आएगा, सही बात है। तो वही हम पावर बचा के चलेंगे, तो हमने बोला सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं देन वी यूज चोक कॉइन, वी यूज चोक कॉइन, हम चोक कॉइन यूज करेंगे, यही है चोक कॉइल का काम। चोक कॉइल क्या काम करता है, चोक कॉइल वोल्टेज कम करता है, कैसे वोल्टेज कम करता है वो सब बताएंगे, बट वो ऐसा वोल्टेज कम करता है जिसमें कि हमारी पावर वेस्ट नहीं होती है, तभी तो लेके आए हैं कि पावर वेस्ट ना हो, ये लाइन इसीलिए तो लिखी है, हमारी पावर वेस्ट नहीं होगी, चोक कॉइल ये काम करेगी, हमारा वोल्टेज कम हो जाएगा, चोक कॉइल ये काम करेगी, आराम से हमारा सारे लाइट इंप्लांटेंस चलेंगे, जैसे ट्यूब लाइट मर्करी ट्यूब ये सब आराम से चलेंगे। चलते हैं चोक कॉइल देखते हैं क्या है। तारे जमीन पर, ट्यूब लाइट भगवान नाम की पिक्चर याद आती थी, ट्यूब लाइट देखे वो ट्यूब लाइट देखे ही हो गया भाई, बस सलमान खान राधे भी देखे हो गए। चोक कॉइल क्या है, चोक कॉइल कुछ नहीं सीरीज एल आर सर्किट ही होता है, चोक कॉइल कुछ और नहीं सीरीज एल आर सर्किट ही होता है। आपके पास आपका ये ट्यूब है और इसमें रेजिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस लगा दो, इतने को ही बोलते हैं चोक कॉइल। रेजिस्टेंस अगर आप जरूरी नहीं है बाहर से लगाओ, क्योंकि इंडक्टर ऐसे राउंड 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 वायर ही तो होती है, एक लाइक सोलेनोइड तो होता है, बताया था प्योर इंडक्टर, तो उसका खुद का रेजिस्टेंस भी तो होगा, और हम इस चोक कॉइल में स्मॉल रेजिस्टेंस चाहते हैं, क्यों चाहते हैं सब बता रहे हैं, बट इतना ध्यान रखिए कि अगर आप बाहर से रेजिस्टेंस नहीं लेंगे कोई बड़ी बात, और अगर ले भी रहे तो बहुत छोटा रहे, क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस होता है। मोस्ट ऑफ दी बुक में तो सिर्फ इंडक्टर ही बना है, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे इतना जानते हैं कि इंडक्टर के अंदर भी तो रेजिस्टेंस होता है, पता है। एचसी वर्मा में तो लिखा है प्योर इंडक्टिव बना है, आप कहेंगे भैया प्योर इंडक्टिव में रेजिस्टेंस नहीं होता है, अरे भैया हर इंडक्टिव में रेजिस्टेंस होता है, प्योर इंडक्टिव इंडक्टिव कुछ नहीं होता, वो देख हाइपोथेसिस पढ़ाई गई थी, कैसा भी अगर डिवाइस हुआ ऐसा कुछ हुआ, ऐसे तो हर इंडक्टिव में रेजिस्टेंस होता है, भले स्मॉल क्वांटिटी में होगा जरूर, तो वही चीज बता रहे हैं। एचसी वर्मा ने तो सीधे सीधे आपको इंडक्टिव बना के दिया है, बोला भी नहीं है कि रेजिस्टेंस है या नहीं है, अच्छी बुक है, कंपटीशन लेवल की बुक है, इसलिए उनको पता है कि बच्चे को इतना पता है, इसीलिए रेजिस्टिव लगा के बोल दिया, ठीक है। ये क्या है, ट्यूबलाइट है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने बोला चोक कॉइल कैन रिड्यूस वोल्टेज, चोक कॉइल कैन रिड्यूस वोल्टेज टू ट्यूब, चोक कॉइल कैन रिड्यूस वोल्टेज टू ट्यूब ओनली इफ जेड इज हाई। ये क्या बात दे दी उन्होंने, बोला चोक कॉइल तभी वोल्टेज रिड्यूस करेगा जब जेड हाई होगा, और जेड क्या होता है, जेड मतलब इंपीडेंस होता है, आपको बताए थे हम क्या होता था, अंडर रूट
XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, यही तो होता था जेड, ठीक। हमने बोला ठीक है चलो भैया मान लिया जेड बड़ा होगा, ठीक है मान लेते हैं अभी तम, ठीक है। बट इन्होंने बोला एट द सेम टाइम, उसी ही टाइम पर रेजिस्टेंस शुड बी स्मॉल, रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए। अब ये क्या है, मैंने बोला था रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए, चोक पर तक मिलेगा, जेड आपका बड़ा होना चाहिए, रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये बड़ा हो बट ये छोटा हो, इसका मतलब पूरी क्वांटिटी इस पे बेस्ड होगी, एक्सेल पूरी क्वांटिटी एक्सेल पे बेस्ड हो गई है, ये बड़ा हो ये छोटा हो, ये देखो जेड हाई आर स्मॉल, तो पूरी क्वांटिटी इस पे बेस्ड होगी। और आप सभी को पता है जेड इज इक्वल टू एक्सेल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल प्लस आर स्क्वायर, ओमेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो देखते इसका मतलब पूरा क्वांटिटी किस पे बेस्ड हो गया है, सिर्फ एल पे, इंडक्टिव पे, इंडक्टिव पे बेस्ड हो गया। मतलब कि अब मैं बता दूं, हेंस मैंने अभी बोला हेंस एक्सेल लार्ज होना चाहिए और आर स्मॉल होना चाहिए, एक्सेल लार्ज हो आर स्मॉल हो, देखो ना एक्सेल लार्ज हो आर स्मॉल हो, आर स्मॉल होगा इसको भी बड़ा चाहिए तो ये भाई छोटे ये बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि ये तो छोटा है, ये भी बड़ा चाहिए तो इसको बड़ा होना पड़ेगा, और इसको देखा जाए तो मेगा एल होता है, ठीक है मेगा एल होता है, मेगा तो इंडक्टिव पे ही बात हो गई, तो इंडक्टिव आपका ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस वैल्यू जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा जेड आएगा, आर जितना छोटा होगा। अब आप कहेंगे कि भैया प्रूफ दे दो, चलो प्रूफ भी देते हैं, छोटा से छोटा है इतने बता देते हैं। हमने बोला कि आपने देखा होगा इंडक्टिव वाले में क्या हम बनाते थे ग्राफ, फेजर ग्राफ, एक्सेल ऐसे रखते थे, आर ऐसे रखते थे और इन दोनों का रिजल्टेंट आता था जेड, ये सेकंड वाला बताया था, यहाँ पर हम लोग लेते थे वी नॉट आर एक्स वी नॉट एल लेते थे, फिर हम लोग बनाते थे आई नॉट आर आई नॉट एल एक्सेल बनाते थे, एक्सेल आई नॉट हटा देते थे आर इनका जेड आता था, ये कितना आगे रहता था फाइव रहता था। और अगर आपसे अब कोई पूछ ले कि cos phi कितना है तो आप क्या बताएं, इस एक्सेल को उधर उठा कर लगा दो ऐसे, एक्सेल इधर लगा दो तो cos phi क्या होता है, ऐसे लगा दो cos phi क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब r by z क्या होता है, r by z यही होता है, r by z होता है, z क्या होता है, z होता है ये होता है z, तो ये हो जाएगा R by under root XL का square plus R का square, ये हुआ Z, यही तो होता है, अरे यहां नहीं समझ में आ रहा तो यहां लिख दे, यहां लिख दे या डाल दे, हां देखिए क्या लिखे, cos phi is equals to क्या आ रहा था R by Z, यही क्या हो जाएगा R by under root XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे R से ऊपर नीचे मतलब R R स्क्वायर नीचे कर रहे हैं बाहर निकल के आएगा तो R ही तो आएगा तो ये तो बन हो जाएगा एंड देन दिस इज इक्वल टू XL by R का होल स्क्वायर प्लस 1 दिस इज cos phi cos phi ठीक, दिस क्वांटिटी इसका वैल्यू इंफिनिटी आता है, इंफिनिटी प्लस वन इंफिनिटी वन अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल्स टू जीरो नहीं इंफिनिटी नहीं बता दो इंफिनिटी नहीं आता है बोल रहे इंफिनिटी आता है बट इंफिनिटी नहीं आता है हम लोग नियर बाय इक्वल टू जीरो मानते हैं
छोटा, बहुत छोटा, इसका वैल्यू बहुत बड़ा। तो बहुत बड़ा वैल्यू और बहुत छोटा वैल्यू, मतलब तो बहुत बड़ा बहुत छोटा वैल्यू, डिवाइड करेंगे कुछ क्वांटिटी आई, अंडर रूट लगा, ठीक है। अब बहुत छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर लो, इनको सॉल्व करने से एक अच्छी खासी वैल्यू आएगी, और फिर आप डिवाइड कर लो, ठीक। तो नियर अबाउट बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, बहुत छोटी आएगी ना। अरे मैं बोल रहा हूँ 1/10,000, 10,000 में 10 करोड़ जितने भी आइटम में कितने लगे इससे डिवाइड कर, तो भाई साहब बहुत छोटी क्वांटिटी नहीं आएगी। आप भाई क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे भैया, पॉइंट लेंगे, जीरो 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 कितने लेते जाएंगे, ठीक है, ऐसे करते जाएंगे, तो बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी। हम इसको नियर अबाउट जीरो लिख देंगे, हमने बोला ये नियर अबाउट जीरो ही तो जा रहा है। अरे पॉइंट जीरो 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 वन, अरे क्या इतना मजाक कर रहे हो सर, क्यों ना इसको जीरो भी बराबर मान लो, बराबर नहीं है, नियर अबाउट है। अगर सरल भाषा में बोला जाए तो वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल क्वांटिटी या वेरी स्मॉल, ठीक। अब आप कहेंगे ये क्या बता? तो देखो ये क्यों बताया, क्या आपने जैसे ही ये लगाया आर को कम करा, पूरा काम ये कर रहा था, और इसने देखो कॉस पाई नियर अबाउट जीरो ले आया, चलिए मान के जीरो ले आया। अब इसका पावर तो जीरो आएगा, क्योंकि पावर कॉस पाई जीरो है, पावर जीरो, और सही बात है इंडक्टिव का पावर जीरो भी तो आता है, इंडक्टिव का पावर जीरो भी तो आता है। तो उम्मीद करता हूं चोक पॉइंट आपको समझ में आया होगा, आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए